चारा घोटाले में जेल काट चुके लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मुश्किलों के बवंडर में फंसते दिख रहे हैं। लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो ऐसा दावा किया गया कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली। मामला 14 साल पुराना है लेकिन ईडी की कार्रवाई लालू परिवार पर लगातार जारी है। इस मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए ईडी ने दिल्ली बिहार यूपी हरियाणा में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की। ये छापे लालू और उनके करीबियों के यहाँ मारे गए। इससे पहले ईडी ने लालू और राबड़ी देवी से अलग अलग पूछताछ भी की थी। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लालू प्रसाद यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की टीम एक्शन में है। इसी केस में आज ईडी की टीम ने एक साथ 4 राज्यों में छापेमारी की। ईडी की टीम ने दिल्ली बिहार और हरियाणा में ये छापेमारी की। इस छापेमारी से आरजेडी सकते में है क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। वहीं दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पर भी रेड चल रही है। यही नहीं, पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के 15 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिल्डर के ऑफिस में छापा पड़ा है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता हसन मुशरिफ के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। कोल्हापुर और पुणे में ईडी की टीम मौजूद है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशरिफ पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे, इसी को लेकर ये छापेमारी की गई। ईडी के एक्शन से आरजेडी बौखलाई हुई है और इसे बीजेपी की कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही है। ईडी के एक्शन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया। राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों से एक्शन करवाया जा रहा है। बीजेपी का 2024 में सफाया हो जाएगा। कल बीजेपी विपक्ष में बैठेगी तो उनके ठिकानों पर सीबीआई और ईडी पहुंचेगी। ईडी के सेक्शन से पहले सीबीआई ने सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे पूछताछ की थी। इसके अगले ही दिन सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची थी। यहां सीबीआई ने लालू यादव से कई घंटों तक पूछताछ की। लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर रुके हैं। यहां ये भी समझ लीजिए कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम आखिर है क्या। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें लिखवा ली थी। बताते चलें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किया है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई ये जांच कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इस मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हरदयानंद चौधरी भी अभियुक्त बनाए गए हैं। आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी हुआ करते थे। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और नियुक्त कर दिया। कुल मिलाकर लालू यादव एंड फैमिली ने कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर दी गई। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को समन जारी किया है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती को 15 मार्च को अदालत में
पेश होने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये घोटाले का पहला मामला है, इससे पहले भी लालू चारा घोटाले में जेल काट चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक चारा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था। चारा घोटाला मामले में भी लालू को 5 साल की जेल का फैसला आ चुका है और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कसता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में आगे क्या होता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।